प्रश्न 10। पहला प्रश्न है, फलन मिला है हमें 1/1 - 10x। दूसरे प्रश्न में हमें फलन मिला है 1/1 + cot x। तो हम पहले प्रश्न को लेते हैं और समाकलन को i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर इंटीग्रल 1/1 - 10x dx। एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। अब टेन एक्स को हम साइन एक्स बटा कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो ये मान कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 1/1 - sin x / cos x dx के बराबर। लघुत्तम यदि हम कॉस एक्स लें हर में, तो कॉस एक्स यहां अंश बन जाएगा और मान हो जाएगा आई का इंटीग्रल cos x / cos x - sin x के बराबर dx। ये हमारा आई का मान हो गया। अब देखो यहां है cos x और यहां जो हर है वहां है cos x - sin x। यदि मैं अंश में cos x - sin x बनाना चाहूं तो मैं किस प्रकार से बना सकता हूं, सबसे पहले तो मैं इसको 2 से गुणा और भाग कर देता हूं। तो मैंने यहां 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग लगा दिया। अब इस 2 cos x को मैं cos x + cos x लिख सकता हूं और उसमें मैं एक बार sin x को जोड़ देता हूं और एक बार घटा देता हूं ताकि मुझे cos x - sin x मिल जाएगा। तो मैं इस प्रकार से लिख देता हूं इंटीग्रल 2 cos x को तो मैंने लिख दिया cos x + cos x। अब यहां मैंने sin x को एक बार तो घटा दिया ताकि मुझे यहां हर मिल जाए और एक बार जोड़ दिया, बटे cos x - sin x dx। ये हमारा आई का मान हो गया। यहां हमने कौन सी विधि लगाई, हमने इस 2 cos x को तो लिख दिया cos x + cos x, एक बार sin x को घटा दिया ताकि मुझे ये मिल जाए cos x - sin x और एक बार जोड़ दिया। अब एक टर्म तो ये हो गई और एक टर्म ये हो गई जिसमें कि cos x - sin x का भाग लगना है। तो जब cos x - sin x में cos x - sin x का भाग लगेगा तो एक आएगा, तो i बराबर क्या हो गया, इंटीग्रल 1/2, ये 1/2 तो एज इट इज रहा, cos x - sin x / cos x - sin x एक हो गया अर्थात dx प्लस, क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस 1/2, ये 1/2 यहां भी आ जाएगा और इंटीग्रल क्या हो जाएगा cos x + sin x / cos x - sin x dx। ये हमारा आई का अब मान हो जाएगा। अब यहां cos x - sin x है, cos x का जो अवकलन होता है वो होता है -sin x और sin x का होता है cos x। यदि मैं cos x - sin x को t मानूं तो क्या होगा, माना t बराबर है cos x - sin x, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, cos x का तो हो गया -sin x, माइनस साइन एक्स का हो गया cos x dx, अर्थात -dt होगा किसके बराबर, sin x + cos x dx के बराबर, जो कि हमारा अंश है। sin x + cos x dx ये हमारा अंश है, अर्थात इसको मैं -dt लिख सकता हूं। तो ये मान कितना हो गया, ये मान हो जाएगा i बराबर 1/2 dx का x हो गया, तो 1/2x प्लस 1/2 इंटीग्रल, यहां मैं लिख दूं -dt, तो -dt बटे ये हमारा क्या है, ये हमारा t के बराबर है, dt/t, माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसको इसी पद में ले लें, माइनस तो बाहर आ जाएगा और यहां से माइनस हटा दे, तो dt/t का
जो समाकलन होगा वो क्या होगा, लॉग मॉड टी, और टी हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो आई का मान हो गया एक बटा दो एक्स माइनस एक बटा दो, ये तो एज इट इज, यहां तक तो एज इट इज आ गया, ये हो गया लॉग मॉड्यूलस टी, लॉग मॉड्यूलस टी, और टी का मान रख दें अर्थात कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, प्लस सी, सी समाकलन का अचर है, तो इसलिए जो फलन है एक माइनस टेन एक्स, इसका समाकलन क्या है, एक बटा दो एक्स माइनस एक बटा दो लॉग मॉड्यूलस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं और यहां से इसको मिटा देते हैं, पुनः यहां हम आई के बराबर इसको मान लेते हैं कि समाकलन जो है वो आई के बराबर है, आई बराबर हो गया इंटीग्रल एक बटा एक प्लस कॉटेक्स डीएक्स के बराबर, कॉटेक्स को हम कॉस एक्स बटा साइन एक्स लिख सकते हैं जैसा कि हमने पहले प्रश्न में किया, तो इसको मैंने लिख दिया एक बटा एक प्लस कॉटेक्स हो गया कॉस एक्स बटा साइन एक्स डीएक्स के बराबर, साइन एक्स यहां लघुत्तम लेंगे यहां ऊपर आ जाएगा अर्थात अंश बन जाएगा, ये हो गया साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया है, दो से गुणा करना है, दो से भाग लगाना है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स हम लिख सकते हैं दो साइन एक्स को, एक बार हमें कॉस एक्स को जोड़ना है एक बार कॉस एक्स को घटाना है जैसा पिछले प्रश्न में किया है, ये हो गया इंटीग्रल एक बटा दो इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक पद हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में इसका भाग लगाया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का तो एक आएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा एक बटा दो इंटीग्रल डीएक्स प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा दो, अब इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में इसका भाग लगेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, इस प्रकार से आएगा। पुनः हम देखते हैं कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माने माना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर है टी, तो साइन एक्स का अवकलन यदि हम करें दोनों पक्षों में तो साइन एक्स का तो हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, डी एक्स बराबर हो गया डी टी के, अर्थात यदि माइनस कॉमन ले लूं तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स ये माइनस डी टी के बराबर है, तो समाकलन क्या हो गया, आई बराबर हो गया एक बटा दो, ये तो हो गया एक्स, डीएक्स का समाकलन तो हो गया एक्स माइनस एक बटा दो इंटीग्रल डी टी बटा टी, पुनः डी टी बटा टी समाकलन क्या होगा लॉग मॉड्यूलस टी, अर्थात ये मान हो गया एक बटा दो एक्स माइनस एक बटा दो लॉग मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, सी समाकलन का अचर है। तो दूसरा प्रश्न तो हमने उसी प्रकार किया है जिस प्रकार के हमने पहला प्रश्न किया है, यहां आई का मान एक बटा दो एक्स माइनस एक बटा दो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी के बराबर है।